आज हम देखेंगे कफ एंड कॉलर स्लिंग। इसे कोई कफ एंड कॉलर स्लिंग बोलता है तो कोई कॉलर एंड कफ स्लिंग बोलता है, लेकिन है ये एक ही। ये एकमात्र ऐसा स्लिंग है या एकमात्र ऐसा पट्टी है जो रीफ नॉट के अलावा दूसरे नॉट का भी इस्तेमाल करके बनाया जाता है। अगर कलाई में चोट आ गया है तो इस कफ एंड कॉलर स्लिंग का इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए यहाँ कलाई में चोट आ गया है तो हम कलाई में सबसे पहले तिकोनी पट्टी को इस प्रकार से सकरी पट्टी बना लेंगे। पिछले वीडियो में आप लोग को ये बता दिया गया है कि कैसे बनाते हैं। उसके बाद ये सकरी पट्टी को यहाँ पे एक क्लोविज बनाएंगे। ये बन गया क्लोविज। क्लोविज बनने के बाद जो ये हिस्सा बचा, इसको मरीज के गर्दन के पीछे ले जा करके यहाँ एक सिंपल सा रीफ नॉट बना देंगे। रीफ नॉट भी आप लोगों को पहले कई बार बता दिया गया है। रीफ नॉट बनाने के बाद ये जो रस्सी छोटा सा सिरा बच गया है उसको अंदर ऐसा फोल्ड कर लें, और फोल्ड करने के बाद एक बार यहाँ पे ज़रूर देख लें कि इसमें कसावट ठीक है या नहीं। बहुत ज़्यादा ढीला नहीं होना चाहिए, अगर ढीला होगा तो मरीज़ का हाथ बार बार आगे पीछे होगा, ये निकल जाएगा। और बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए, इतना ज़्यादा टाइट कि वहाँ पे खून का दौरा जो है वो रुक जाए। तो ये हमारा कफ एंड कॉलर स्लिंग कंप्लीट है।